यू विल ऑल बी फाइन व्यूअर्स, आज आपको मैं बताऊंगा कि कल्टस VXL की जो मीटर लाइट एडजस्टमेंट है वो कैसे कर सकते हैं, मतलब डिम और ब्राइट कैसे कर सकते हैं, उसे जो ब्राइटनेस है ये क्यों ज़रूरी है। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर आप कम्प्लीटली मतलब कम्प्लीटली डार्क करेंगे इसकी जो ब्राइटनेस है तो इसमें नुकसान भी हो सकता है आपको, मतलब दिन की रोशनी में। जैसे अगर आप मीटर की लाइट कम्प्लीटली डार्क है और आपको ना स्पीड मीटर नज़र आएगा और ना ही टेम्परेचर अलर्ट जो साइंस हैं और दूसरे जो ज़रूरी साइंस हैं वो आपको नज़र अगर नहीं आएंगे तो हो सकता है कोई मसला बन जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो इससे बेहतर है कि आप नॉर्मली लाइट एडजस्ट रखें, नॉर्मली लाइट रखें उसकी, और बेहतर तरीका तो यही है। तो अभी व्यूअर्स आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसकी लाइट ब्राइटनेस डिम और ब्राइट हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंजन स्विच ऑन करें, ये लाइट्स ऑन कर दें। लाइट्स ऑन करने के बाद मतलब ट्राई मूविंग दी डैश लाइट डिमर नॉब, ये जो नॉब है ये नॉब, ये आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं सर्कल्स, मैं ये क्लोज़ करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो सर्कल नज़र आ रहे हैं इसको नाप को लेफ़्ट साइड पे मूव करें, ये लेफ़्ट साइड पे मूव करते जाएंगे तो ये ब्राइटनेस डिम होती जाएगी। अगर आपको ब्राइटनेस ज़्यादा करनी है तो इसको राइट साइड पे मूव करें, ये मीटर की लाइट जो ब्राइटनेस है वो एडजस्ट हो सकती है, कम और ज़्यादा भी हो सकती है। तो व्यूअर्स यही तरीका है उसका, इसको लेफ़्ट साइड पे कम होगी, लो होगी ब्राइट डिम होगी, और राइट साइड पे हाई होगी। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।